हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। ये टाइम है, हम सबको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपना, फैमिलीज का, अपनी टीम्स का, अपने नियर एंड डियर वंस का। सो आई होप आप सभी बहुत ध्यान रख रहे होंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपसे मैं अपनी पहले तो जर्नी शेयर करूंगा, जिसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि क्या वाकई एक इंसान ऐसे अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। सो क्या आप सभी रेडी हैं? वाओ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वी शुड ऑलवेज बी एक्साइटेड। सो आज बहुत सारे टिप्स मिलने हैं आपको, सो गेट रेडी। डायरीज हमेशा अपने साथ रखें। ये मैं डे वन से मानता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी डायरी मेंटेन कर लेगा, उसको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ, और मॉर्निंग का टाइम है तो मैं चाहूँगा हम सभी उस भगवान से शुरू करें जिसने हमें लाइफ दी, जिसने हमें इतने प्यारे पेरेंट्स दिए, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे संस्कार हमें दिए, भगवान ने इतना प्यारा जो संसार, इतने प्यारी चीज़ें हमें दी। और सबसे प्यारी चीज़, दुनिया की सबसे प्यारी चीज़, उन्होंने हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दी, जिसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने शानदार हैं, इतने शानदार हैं कि अगर उसके बारे में बात करना चाहूँ तो मुझे लगता है मैं शायद 10 साल बोलता रहूँ तो तब भी कम पड़ जाएंगे। लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स, जिस व्यक्ति से भी हम शेयर करते हैं उसका एक्सपीरियंस यही होता है, मज़ा आ गया, अल्टीमेट प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले भगवान का थैंक यू करते हैं कि भगवान ने हमें जीवन, पेरेंट्स और ये सारी चीज़ें दी हैं, हमें मौका दिया कुछ करने का, आगे बढ़ने का। और जो सबसे बड़ा मौका यहाँ पे है वो है दूसरों की हेल्प करने का। बहुत सारे लोगों को अच्छा करियर चाहिए, अच्छी नॉलेज, अच्छी गाइडेंस, अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। हमारी जो इंडस्ट्री है ये जानी जाती है लोगों को ट्रेन करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। आप चेक कीजिए यूथ की हालत क्या है इस टाइम पे। पीपल आर हाईली नेगेटिव, हर चीज़ को लेकर नेगेटिव। बट आई फील सो गुड, आई फील सो प्राउड हमें मौका मिलता है, एंड आई फील सो गुड जब मैं सोचता हूँ कि मैं लाखों लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ, मोटिवेट कर चुका हूँ, पॉजिटिव कर चुका हूँ, और एटलीस्ट मैं जो आपको देखकर बहुत पॉजिटिव होते हैं। सो 85% लोग अगर पॉजिटिव हैं तो वी कैन इमेजिन कितनी बढ़िया बात है, राइट? सो आर वी रेडी टू ब्रेक सम रिकॉर्ड्स? मैं हमेशा नए रिकॉर्ड्स बनाने में, उनको तोड़ने में और आगे बढ़ने में और प्लान करने में बिलीव करता हूँ, और मैंने पूरी लाइफ में यही किया। तो हम शुरू करते हैं। मेरा नाम मनदीप कंबोज है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, करंटली मैं मोहाली में रहता हूँ, और मैंने MBA किया PCTE, इंडिया के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में आता है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मेरे को सीखने को मिली। सो मैं इसीलिए हमेशा अपने जो प्रोफेसर्स हैं, अपने डीन्स हैं, अपने गुरुज हैं, मैं हमेशा उनका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मैं आज जो भी हूँ, आगे भी जहाँ पे पहुँचूँगा, तो इन सारी चीज़ों में सारे टीचर्स का, गुरुओं का, सबका जो है ना बहुत बड़ा रोल है। हमेशा थैंकफुल रहें उस भगवान का, उन लोगों का जिन्होंने जीवन में आपको गाइड किया। अब फॉरएवर को शुरू किया मैंने 2009 में। उससे पहले MBA करके मैं बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था, वेल सेटल्ड। ड्रीम्स होते हैं कि मैं जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊँ, तो मेरे भी ऐसे बहुत बड़े बड़े सपने थे मैं जीवन में कुछ बहुत बड़ा कर पाऊँ। और दोस्तों, करते करते पता ही नहीं चला कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने लग गई। एक टाइम पे सपने होते थे, है ना, कि MBA करके जॉब मिल जाए, 50-60 हज़ार, 1 लाख सैलरी हो। वो चीज़ें एक टाइम पे इतनी छोटी होगी, कभी कभी मैंने अपने जब चेक्स देखे, जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, वो भी लाखों में था महीने का टैक्स, तो बड़ा अच्छा फील हुआ कि वाह, हमें कैसी अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक टाइम पे तो सपने होते थे कि काश मेरा चेक जो है वो 1 लाख रुपए का कभी हो जाए जीवन में, है ना, मेरी मंथली सैलरी हो जाए। आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम लाखों रुपए का तो टैक्स ही भर देते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ लगन, मेहनत और प्लेटफॉर्म की वजह से। आज हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कि कैसे हम जीरो टू हीरो तक का सफ़र तय कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आप सभी अपनी डायरीज, पेन और सबसे बड़ी चीज़
पॉजिटिव माइंड लेकर बैठे होंगे। अगर माइंड पॉजिटिव नहीं होगा तो आई टेल यू आपको दुनिया में कोई भी ना ट्रेन कर सकता, ना गाइड कर सकता, ना ही हम आगे बढ़ सकते। सो ऑलवेज कीप योर माइंड इन लर्निंग मोड। हमें एमबीए में एक चीज़ बड़ी उन्होंने अच्छे से समझा दी थी, ऑलवेज बी रेडी टू अनलर्न एंड लर्न द न्यू थिंग्स। पुरानी चीज़ों को भूलने और नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा दम रखें। 2009 के आसपास मुझे फॉरएवर मिली, उससे पहले मैं टॉप एमएनसीज जो होती हैं, फॉर्चून 500 लिस्ट एक बनती है दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज की, उनमें मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे हुआ करता था। मेट लाइफ, AIG, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया, बहुत बहुत मतलब ड्रीम जॉब्स जो होती हैं ना उन पे मैं था, और बड़ा मज़ेदार लाइफ थी, बड़ा अच्छा फ्रेंड सर्कल, इन्जॉय करना, मेहनत करनी, खूब इंसेंटिव्स कमाने। तो करते करते जब 2009 में फॉरएवर मिली, कुछ महीने प्रोडक्ट्स को मैंने स्टडी किया अच्छे से। मेरी हैबिट है मैं जो भी करता हूँ बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ, क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं ना उससे हम, हमारी फैमिली, सभी जो है इम्पैक्ट होते हैं। तो इमेजिन कीजिए अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लें तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी फैमिली, आपके बच्चे और पूरे फ्यूचर पे आ जाता है ना। सो आई एम ऑलवेज वेरी 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 कॉन्शियस। पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, वो भी कहते हैं कि बहुत सोच समझ के कदम उठाना है जीवन में जो भी करना है। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन लक, है ना, क्योंकि लक जो है वो बनता कैसे है? लक बनता हमारे कर्मों से। तो अगर हमें लकी बनना है तो हमें कर्मों का तूफान जो है ना वो पैदा करना पड़ता है। सो पेरेंट्स ने एक ही चीज़ सिखाई कि देखिए आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने कर्मों का ध्यान रखें, अगर आप रेडी टू वर्क हार्ड हैं। अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना तो दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। 2009 में फॉरएवर मिल गई, उसको दबा के स्टडी किया किसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, एलोवेरा जेल होता क्या है। अब एलोवेरा जेल जो है दैट इज़ वेरी पॉपुलर, पर मैं फॉरएवर वाला क्यों पीऊँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए। और मैंने इसका आंसर अपने आप को दिया, अच्छे से ढूंढा इसका आंसर, दुनिया भर की तफ्तीश, जो मैं कर सकता था, जो मैं जान सकता था इसके बारे में जाना, फिर मैं कन्विंस हुआ। तब तक वो कहते हैं कोई काम नहीं करना चाहिए जब तक आप कन्विंस ना हो। सो अपने आप को कन्विंस करने के लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सो आई वर्क वेरी हार्ड to learn about the company, it took me many months, 6.5-7 महीने लग गए, जबकि मैं उस टाइम पे एक रीजनल पोस्ट हैंडल कर रहा था, बहुत बड़ा एरिया होता था मेरे पास हैंडल करने के लिए, बहुत ज़्यादा बिजी होता था। रात के 2-2 बजे तक जाग कर मैंने मेहनत की कि फॉरएवर क्या है, इसके बारे में मैं जानूँ, सीखूँ, है ना। वो सारा करते 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 क्या हुआ, फाइनली एक दिन ऐसा आया, मेरे मन में विचार आया कि मैं इतने सालों से एमबीए करने के बाद दिन रात मेहनत करता हूँ, और यस मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, इंसेंटिव्स मैं बहुत कमाता था क्योंकि आदत थी हार्ड वर्क करने की, सैटरडे संडेज मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहता था। सो मन में आया कि क्यों ना मैं फॉरएवर को देखूँ। अगर एमबीए करने के बाद हमें, क्योंकि वहाँ पे सिखाई एक चीज़ आती थी कि बिजनेस करें, बहुत बड़ा बिजनेस करें, बड़ा सोचें एंड ऑल, तो मुझे लगा शायद ही वो मेरे पास मौका आ गया कुछ बड़ा करने का। फिर मैंने कंपनी को अलग लेवल पे सीखा, बहुत अलग लेवल पे, दिन रात एक कर दिया कि फॉरएवर है क्या, इसमें मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो आगे बढ़ने के लिए जब मेहनत करना शुरू किया तो ऑब्वियसली चैलेंजेस जो आते ही हैं, किसी भी सिस्टम का, किसी भी बिजनेस का आप पार्ट बनेंगे तो वहाँ पे हर तरह के डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आपको आएंगे ही आएंगे। मुझे भी चैलेंजेस आए बहुत सारे। पहला चैलेंज तो यही था फ्रेंड सर्कल वाले, अरे मनदीप भाई तुम ये क्या करने लग गए, है ना, कि आप कहाँ एक रीजनल हेड की पोस्ट, आपके साथ एक ड्राइवर है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आपका लैपटॉप बैग उठाने के लिए बंदा साथ में चल रहा है, यहाँ पे आप एक येलो बॉटल बाय करने के लिए काउंटर पे खुद पहुंचे हो, उसको बाय करके किसी फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो 1-1.5 महीना थोड़ा सा मेरे को मेंटली, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब में एक लेवल पे वो माइंड ऐसा बना देते हैं कि आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, है ना। तो काफ़ी साल हो चुके थे वहाँ पे मेरे को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को 1-1.5 महीना ये लगता रहा कि हाँ सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है, बट स्टिल आई वॉज वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं, ये मेरा अपना बिजनेस है। मैंने इसको शुरू कर दिया। अब वहाँ लाखों रुपए की सैलरी छोड़कर आया था तो वो एक चैलेंज था बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं वो चैलेंज जो है आपको परेशान भी करता है, और कभी कभी जब फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहते थे कि मनदीप भाई आप यार इतनी बढ़िया सैलरी छोड़ के, गाड़ियाँ घर सब कुछ, है ना, हर चीज़ की आपको पता बंदे को होता है कि मैंने वो सारा लाइफस्टाइल जो बनाया उसको मेंटेन करना है, तो आपने ज़ीरो से शुरू कर दिया बिजनेस, पता नहीं कब चलेगा, नहीं चलेगा, उसके बाद क्या बनेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें, वो टेंशन थोड़ा 1-1.5-2 साल चलती रही, और मुझे फिर ये होता था कि मैं फटाफट उस लेवल पे पहुंचूं जो मैं छोड़ कर आया हूं।
तो उसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, दिन रात मैं दौड़ता था, कभी यहाँ से गाड़ी उठाई तो दिल्ली पहुँच गए, वहाँ अपने पुराने फ्रेंड्स को जाके मिलना, उनको कॉन्टैक्ट करना, कोई बिजी है, कोई मिलने आ गया है ना, और वो सारी चीज़ें करते करते धीरे धीरे किसी का फॉर्म फिल हो गया, किसी ने कहा कोई बात नहीं अगली बार मैं ट्राई करूँगा, मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉल्यूम, मेरी तरफ से वॉल्यूम बढ़ाने का यहाँ पे कोई है नहीं, आपको आप ऐसा ट्राई कीजिए, प्लीज़ ट्राई यूजिंग योर हेडफोन्स। सो हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, ज्वाइनिंग्स होना शुरू हो गई, और सबका ये होता था कि मंदीप भाई तुम जॉब के बराबर कब पहुँचोगे, जो सैलरी वहाँ से ले रहे थे, जो तुम्हारा पैकेज वहाँ पे चल रहा था, वो तुम यहाँ कब पहुँचोगे, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, पता नहीं कब होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अंदर हिट ज़रूर करती हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि पेरेंट्स भी आपको बोल रहे होते हैं कि बच्चे, मेरे पेरेंट्स तो क्लियरली वो बोलते थे कि बच्चे आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम तो चाहते थे आप आईएएस ऑफिसर बने, पर आप दोनों भाइयों ने एमबीए करके चलो बहुत अच्छे सेटल हो गए थे, 6-8 साल से आप इतनी बढ़िया जॉब कर रहे थे, बट अब इस टाइम पे क्या हो गया, आपने सब कुछ छोड़ दिया है ना, जीरो से शुरू कर दिया है बिजनेस, कभी चेक 400 रुपये आ रहा है, कभी 2000, कभी 5000, और लाखों रुपए की सैलरीज छोड़ दिए, तो पेरेंट्स देखिए क्योंकि वो आपके वेलविशर होते हैं तो उनकी चिंता जो है ना वो बिल्कुल जायज़ होती है, तो मुझे वो चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा परेशान भी करती थी। करते 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 क्या हुआ जी, काम चलना शुरू हो गया, मेहनत इतनी की, मैंने कहा मैं मेहनत और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, तो मेहनत बहुत ज़्यादा की, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, एक जगह से गाड़ी उठानी, दूसरी तरफ, दूसरी से उठानी, तीसरी तरफ, तो करते करते टीम्स बननी शुरू हो गई, बहुत बढ़िया टीम बननी शुरू हो गई, इस लेवल पे काम किया कि धीरे धीरे 2.5 साल के अंदर बहुत सारे जो हैं रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, राइट। तो रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आए मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, सोरिंग मैनेजर बने, सैफायर मैनेजर बने, और टीम्स में बहुत सारे सैफायर मैनेजर बनाए, उसके बाद बहुत अल्टीमेट ग्रोथ, अपने चेक लाखों के हुए, और मैंने टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि मेरा चेक ठीक है, मेरा चेक तो मैं पहले भी जॉब में बड़े अच्छी इनकम कमा रहा था, सब कुछ है, लैंड है मेरे पास, अपनी ज़मीन है, बहुत कुछ है, तो मेरे को ये होता था मेरे साथ जो व्यक्ति जुड़ा, जिसको मैंने फॉरएवर के बारे में बताया, उसकी ग्रोथ मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए। आप कोई भी मेरे टीम मेंबर से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि मेरी एक जो पैट वर्डिंग वो ये होती है कि मैं अपनी डाउनलाइन को कहता हूँ कि आपकी ग्रोथ मेरे से भी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज आई एम देयर टू सपोर्ट यू। सो इस माइंड के साथ जब टीम की हेल्प की तो टीम में भी धीरे धीरे लोगों ने लाखों रुपए पर मंथ कमाना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। सो करते करते टीम की इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई, फॉरेन ट्रिप्स मिलने शुरू हो गए मेरे को, टीम मेंबर्स को, तो हम बहुत सारे टीम मेंबर्स बहुत सारी कंट्रीज घूम चुके हैं। मैं आपको नाम गिनाने शुरू करूँ तो बहुत मतलब ज़्यादा नाम है, कभी अमेरिका, कभी पेरिस, कभी लंदन, कभी इटली, कभी रोम, सो डिफरेंट डिफरेंट मतलब जगह पे, मैक्सिको, कैनकुन, कैलिफोर्निया, सिंगापुर, हांगकांग, मतलब मैं ही नहीं कर सकता, पता नहीं कितनी कंट्रीज, कितनी जगह है ना, ऐसी ऐसी जगह, वेगस, लॉस एंजलस, ऐसी ऐसी जगह घूमने का मौका मिला, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जो लोग साथ में जुड़े, जिन लोगों ने फॉलो किया, याद रखिए हमेशा 100% आपको फॉलो नहीं करेंगे, एटलीस्ट 80-85% लोग जो आपको फॉलो करेंगे उन्होंने इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ की मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और आज मुझे प्राउड फील होता है कि रेक्स सर ने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसकी वजह से हम अपनी, अपने फ्रेंड्स की, दोस्तों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। आई फील सो प्राउड, आई फील सो ब्लेस्ड मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। करते 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 मेरे फ्रेंड्स जो कभी मजाक किया करते थे कि मंदीप यार तुमने इतनी ज़बरदस्त, मतलब लोग तरसते हैं ऐसी जॉब, ऐसी डेजिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो आपने एकदम से छोड़ दिया है ना, इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़ दिया, तो कल कोई ये ना हो बिजनेस ना चले, 1-2 साल के बाद आप वापस आओगे तो इंडस्ट्री जो है ना 1-2 साल का गैप पड़ जाए तो फिर आप उस जगह पे सेटल नहीं हो सकते वापस, आप एक ब्रांड बन चुके होते हैं अपनी इंडस्ट्री में, 2 साल में वो चीज़ें सारी है ना हिल जाती हैं, आपकी पोस्ट पे कोई और बैठा होता है, बड़े सारे इश्यूज आ जाते हैं। सो मेरे को वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बार बार जब लोग बोलते हैं तो हिट करती थी, बट मैंने क्या किया, मैंने भगवान का नाम लेना और सब उसके ऊपर छोड़ देना कि भगवान आप मेरे साथ हो, मैं दम लगा दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, जी जाने कर दूंगा, आप बस मेरे जो है सपोर्ट करना। और देखिए वो कहते हैं कर्म फल आपको मिलना ही मिलना है, अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, भगवान के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, कंपनी पॉलिसी को 100% फॉलो करते हैं, तो भगवान फिर है ना आपके ऊपर जो है सब कुछ जो है न्योछावर कर देते हैं। तो वही हुआ,
आज अचीवमेंट्स की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट है कि शब्दों में बयां ही नहीं हो सकती। कार प्लान 3 मेरे ग्रुप में पता नहीं कितने लोगों ने कर चुके हैं। सो सब कुछ पॉसिबल है। एक टाइम था मेरे को मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आपका बनेगा क्या, और आज एक टाइम है मेरे पास कारपोरेट के बहुत सीनियर लेवल के लोग, इसी मंथ में ही, लास्ट एक दो मंथ में ही, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने ज्वाइनिंग कराई, मतलब टॉप ब्रास जिनको बोलते हैं, उस लेवल के लोग आ रहे हैं कि शायद मेरे को लगता है इंडस्ट्री का नक्शा ही हम चेंज कर देंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे बेटर लोग आएंगे, ये इंडस्ट्री, हमारी कंपनी, हमारा ब्रांड नेम और बेटर होता जाएगा। और मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा आए, हम ऐसा ब्रांड नेम बना दें फॉरएवर को, जैसे ही कोई व्यक्ति नाम ले कि मैं फॉरएवर से हूँ, इमेज बन जाए, वो कहे वाओ, है ना। तो ऐसा ब्रांड नेम बनाना, ब्रांड तो है ही है फॉरएवर, इंडिया में हमने इसको उस लेवल पे ले जाना है कि जब आप किसी को बताएं कि मैं फॉरएवर में काम करता हूँ, आगे वाला पर्सन बोले वाओ। तो ब्रांड इमेज बनाएगा कौन, हम ही लोग बनाएंगे। कैसे बनेगी, जब हम अपने से भी बेटर लोगों को इसमें ज्वाइन कराएंगे। सो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरे वही वाले फ्रेंड्स जो कभी मतलब कहा करते थे क्या बनेगा, आज वो मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, सुपर सीनियर लेवल के लोग ज्वाइन हो रहे हैं। एंड आई बिलीव आने वाले टाइम में और ज़बरदस्त ग्रोथ होगी कंपनी की, क्योंकि डे बाय डे चीज़ें बेटर हो रही हैं, बेटर लोग आ रहे हैं, बेटर लोग आएंगे, बेटर इमेज बनेगी, बेटर सेल्स होंगी, बेटर ग्रोथ होगी। तो आने वाले टाइम में हम सब मिलकर रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। अब रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो मेरी 99% जो भी अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो वो कंसिस्टेंट हैं। जब से मैं आया हूं तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूस हैं, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट हैं। उसके पीछे क्या चीज़ है, उसके पीछे है लगन, अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के बारे में सोचें, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा लीडरशिप का जो ट्रेट होता है, वो कहते हैं लीडर वही है जो नीचे वालों को सक्सेसफुल बनाए। जब हम नीचे वालों को सक्सेसफुल बनाएंगे तो आप इमेजिन कीजिए टर्नओवर कितनी बढ़ जाएगी, है ना, कितनी सेल्स बढ़ेगी, वॉल्यूम्स कितने बढ़ेंगे, कितनी ग्रोथ होगी इंडस्ट्री की, कंपनी की, आपकी, आपके ग्रुप की। तो ऑटोमेटिक है, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपका ग्रुप ग्रो करेगा तो आप ऑटोमेटिकली कर जाएंगे। सो मैंने इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया। और मेरे जो गुरु हैं, हमेशा याद रखिए, हमेशा जीवन में गुरु धारण कीजिए। जो व्यक्ति का गुरु नहीं होता ना, वो कहते हैं निगुरे का कोई ना है। मतलब जो व्यक्ति कोई गुरु धारण नहीं करता, उसका कोई भी नहीं होता। तो गुरु कौन होते हैं, सबसे पहले गुरु को कहते हैं माता होती हैं आपकी, जो आपके मदर होते हैं, जो आपको वो सिखाते हैं, बताते हैं, वो जीवन में कोई नहीं सिखा सकता। भगवान से पहले दर्जा दिया जाता है माता को। सो अपने माता पिता, उनकी एडवाइस आप 100% माने, जो भी वो आपको कहते हैं, ना। उसके बाद कौन होते हैं जो जीवन में आपको आगे बढ़ाते हैं, आपके टीचर, आपके प्रोफेसर, आपके जो भी होते हैं। फिर आती कंपनी, फिर हमारे गुरु वहाँ पे कौन होते हैं, मिस्टर रेक्समॉन, मिस्टर हरीश सिंगला, निकिता मैम। देखिए वो दिन रात एक कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, उनका सपना क्या है, उनका फोकस क्या है, उनका एक ही फोकस है ग्रोथ, आपकी, हमारी, हम सबकी ग्रोथ। तो क्या वो, हम उनकी बात को 100% एक्सेप्ट करते हैं। गुरु का मतलब होता है वो जो बोलें, आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, ये सब कुछ मेरे भले के लिए है जो भी वो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें नज़र नहीं आता वो क्या कर रहे हैं, हम आइडिया नहीं लगा पाते, पर वो दिन रात लगे हुए हैं। हमारे लिए कितनी नई नई चीज़ें हो रही, आर वी हैप्पी, कितना कुछ नया आ रहा, कभी कोई ऐप नई आ रही, कभी आलो स्टोर नया आ रहा, कभी ऑफर्स आ रही, दिन रात हम तो एक छोटा सा मैसेज पढ़ लेते हैं, है ना। और कई लोग उस पर भी रिएक्ट पता नहीं कैसे कैसे करते हैं। इमेजिन द हार्डवर्क जो उसके बैकग्राउंड में चल रहा होता है, स्टाफ दिन रात एक कर देता है उन चीज़ों को करने के लिए, डे नाइट वर्किंग चल रही है। आई नो, मैं देखता हूँ एलो स्टोर इतना ज़बरदस्त है जो नए वाला आया है, और फिर भी स्टाफ उसको अपडेट करे जा रहा, क्यों, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा बेटर सपोर्ट मिल पाए। सो हमारे जो गुरु हैं, रेक्स सर, ग्रेग मॉन, नवाज मैम, निकिता मैम, हरीश सर, मेरा सबको जो है नमस्कार है, सल्यूट है, थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से हम आने वाले टाइम में रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। सो हमेशा अपने गुरुओं को, उसके बाद गुरु आते हैं हमारी जो अपलाइंस होते हैं, जो एक्टिव हों, जो सपोर्टिव हों। जो व्यक्ति एक्टिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, या खुद का ही उसका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति नेगेटिव है वो हमें गाइड नहीं कर पाएगा। हमेशा ढूंढे कोई ऐसा व्यक्ति आपकी अपलाइंस में जो एक्टिव हो और पॉजिटिव हो, जब आप उसके साथ बैठें तो आपको पॉजिटिविटी दे पाए, क्योंकि पॉजिटिविटी इज एनर्जी, आप में एनर्जी है, यू कैन विन द वर्ल्ड। फिर अपने गोल्स बनाएं, अपने टारगेट्स बनाएं। मैंने बहुत ज़्यादा लर्निंग की है, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी हैं गोल सेटिंग के ऊपर। विदाउट गोल सेटिंग ना कोई व्यक्ति,
ना कोई कंपनी ना कोई ऑर्गेनाइजेशन एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती, राइट? इमेजिन कीजिए अगर आपके लाइफ में गोल्स नहीं है, नोबडी कैन हेल्प यू। कई बार हम दोष देते हैं, ब्लेम गेम से हमेशा बाहर आ जाइए। कई लोग जो है ना वो दोष देते हैं, मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि ये। उसी टाइम पे बहुत सारे लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अभी लॉकडाउन, मैं अभी एक पिक एडिट कर रहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं लॉकडाउन ये। मेरे को कोई पूछे व्हाट इज लॉकडाउन, तो मैं कहूंगा हजारों न्यू ज्वाइनिंग, हजारों नए फ्रेंड्स, हजारों नए मेंबर्स, बहुत बड़े बड़े न्यू चेक, बहुत सारी लग्जरी कार्स और बहुत सारी चीजें। सो मैं तो ये कहूंगा लॉकडाउन इज इक्वल टू, मेरे लिए अगर मैं कहूँ, बहुत जबरदस्त ग्रोथ, बहुत नए नए फ्रेंड्स और अल्टीमेट फ्यूचर की तैयारी। सो ये पॉसिबल कैसे होता है? विद गोल सेटिंग। आर वी रेडी टू सेट अवर गोल्स? अब कहते हैं माइंड ने ड्रीम करना ही है, सोचना ही है कुछ ना कुछ। तो जब सोचना ही है तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचें, क्यों ना कुछ बढ़िया सोचें। हाँ, ऑब्वियसली पहले अपने पेरेंट्स के लिए बढ़िया सोचें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप अपने आप को सेटल कर लीजिए, उसके बाद यू कैन हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसके बाद सोसाइटी के लिए कुछ बढ़िया सोचें। तो गोल बनाएं अपने। गोल होता क्या है? मैं उसको गोल मानता ही नहीं हूं जो सिर्फ यहां पे है। मैं बहुत ज्यादा स्टडीज कर चुका हूं इसके ऊपर, मैंने पेड ट्रेनिंग बहुत ज्यादा ली है। गोल सिर्फ वही होता है जिसको आप डायरी में लिख लें, जो प्रिंटेड हो और आपके रूम में भी कहीं ना कहीं लगा हो, उसको हम कहते हैं गोल। अदरवाइज तो एक सोच है, हर व्यक्ति की सोच है वो। तो किसी से रोड चलते हुए किसी से पूछ लीजिए, मैं अगर किसी मान लीजिए ट्रक चलाने वाले से, रिक्शा चलाने वाले से पूछूंगा भाई आपकी सोच क्या है, वो कहेगा बहुत बड़ा बनना, करोड़ों रुपए कमाना, ये वो। उसकी सोच है। उसको बोलिए क्या तेरी डायरी पे तुमने लिखा हुआ भाई कि तू ये कमाएगा, कैसे करेगा, कितने कमाएगा ना। सो गोल में और सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे लोग सिर्फ सोच कर ही काम करते हैं और उन्होंने फेल हो जाना होता है फिर, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सो हमें क्या करना? पहला स्टेप, प्यारी सी डायरी, बढ़िया सी डायरी बाय कीजिए। कभी सोचिए मत कि डायरी के ऊपर पैसे लग रहे हैं। मैं कहूँगा अगर कोई 10,000 रुपए की डायरी भी आती हो ना तो वो भी खरीदिए, जो आपको मोटिवेट करे। एक अच्छा पेन हो जिससे आप लिखें तो आपके अंदर एनर्जी पावर भरे, आपको लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। सो अच्छी डायरी, अच्छा पेन लीजिए, उससे अपने गोल सेटिंग कीजिए। लिखिए उससे कि ये मेरा गोल है। अब गोल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होता है, उसको डिवाइड कर दीजिए टारगेट में कि ये गोल है मेरा 5 साल का 10 साल का, यहाँ पहुँचना मैंने। और हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। शॉर्ट टर्म अगर आप गोल्स बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स को कभी बनाना ही नहीं चाहिए। हाँ, डिवाइड करके ठीक है बना सकते हैं, बट रियल गोल जो है वो लॉन्ग टर्म गोल ही होने चाहिए कि मैं 10 साल में 15 साल में, क्योंकि फॉरएवर जो है ये वो कोई बड़ा क्लियरली मिस्टर एडन बताते हैं कि ये कोई वो स्कीम नहीं है कि आप आइए और 2 मिनट में यहाँ पे करोड़पति बन जाएंगे। ये करियर है, यहाँ पे आप आते हैं, सीखते हैं, प्रोडक्ट्स को एंजॉय करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, टीम्स बनाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो जब आप उनकी हेल्प करते हैं तो ऊपर वाला जब देखता है कि आप सच्चे मन से लोगों की हेल्प करने में पूरी जान लगा देते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ले जाओ भाई, जो आपको चाहिए ले जाओ। तभी मैं कहता हूं कि हमारी सोच से बहुत ज्यादा देती है फॉरएवर। मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता, मतलब कैसे कैसे चेक जब आए तो उस टाइम पे 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे चेक लगते थे कि हाँ चलो इतना चेक होना चाहिए, तो पता ही नहीं चला कब 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लाख के चेक आने लग गए। कब 84 लाख का चेक आ गया, चेयरमैन बोनस सिंगल चेक 84 लाख, फिर 97 लाख का चेक सिंगल चेक, मतलब 1 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाता है आपको खाली जो सिंगल एक चेक मिला चेयरमैन बोनस। तो चेयरमैन बोनस, ये सारी चीजें, ये सब कुछ पॉसिबल है फॉरएवर में। चाहिए क्या? लगन। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो अपने गुरु हैं, हमारी सबसे बड़ी जो गुरु है वो तो हमारी कंपनी है, जिसने इतनी बड़ी कंपनी पॉलिसी बुक आपको लिख के दे दी, इतनी शानदार। मिस्टर एक्समन सर के साथ बैठने का बड़ी बार मौका मिला, जब उनकी सोच मैंने देखी, ही इज सो अमेजिंग। पर्सनली जब मिले तो मुझे लगता है कि उनकी जगह पे कोई भी व्यक्ति होता तो वो शायद कहता फोकस करो सेल्स पे, बिजनेस बढ़ाओ, ये वो। उन्होंने ये कहा कि मनदीप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, अपने पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम दो। तो मेरे को मतलब उन्होंने दिल से ना जीत लिया, तो मैं उनको भगवान का दर्जा देता हूँ। मेरे लिए ही इज़ गॉड, मेरे लिए निकिता मैम, हरीश सर, दे आर लाइक गॉड, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारी लाइफ जो चेंज होनी है ना आने वाले टाइम में, जो हमने करना है, वो सब कुछ उनकी दुआओं से, उनके एफर्ट से, दिन रात लगा हुआ हमारा स्टाफ।
हम तो कह देते हैं लॉकडाउन, आप चेक कीजिए उस टाइम पे भी कितनी ईमेल्स आ रही थी, नवाज मैम, ग्रेग सर, कितनी सारी चीज़ें हमें बता रहे थे कि यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है। तो कंपनी डे नाइट आपके लिए काम कर रही है। हमें क्या करना है, अच्छी चीज़ें लोगों से शेयर करनी है, अच्छी सोच के साथ शेयर करें। कई बार हम नेगेटिव होकर सोच जो है ना, अपनी नेगेटिव सोच के साथ फिर आगे काम करते हैं, तो हम काम नहीं कर रहे होते, हम ट्राई कर रहे होते हैं। तो जीवन में हमेशा करें, ट्राई ना करें, ट्राई करने वाला कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर आप कहें कि मैंने कार चलाना सीखना है, आप सीख जाएंगे। अगर आप सोचें अच्छा आज ना मैं कार ट्राई करके देख लेता हूँ कि मैं चला सकता हूँ या नहीं, तो आई टेल यू आप नहीं चला पाएंगे। जिस दिन आप सोच लेंगे है ना, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। सो हम भगवान को हमेशा याद रखें, कर्मों का फल मिलना है। कर्म इतने प्यारे कीजिए, इतने प्यारे कीजिए कि भगवान अपने आप आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दें, आपको कभी मांगना ना पड़े। तो भगवान तो वो कहते हैं ना, उसके घर में सब कुछ है, आप जस्ट ऐसा काम कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए और सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। आई ऑलवेज फील प्राउड मुझे फॉरएवर मिला, और मेरे मन में एक ही होता है कि मैं फॉरएवर में ऐसा काम करूं कि फॉरएवर को भी मेरे पे प्राउड हो। वो हम कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। करना क्या है उसके लिए, दिन रात फोकस, मेहनत। अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे रखें, फालतू चीजों के ऊपर ना रखें, क्योंकि अगर हम फालतू चीजें करेंगे तो फिर वही बड़ी होंगी। अगर हम अपने काम को बड़ा कर लेंगे, सिर्फ वही नजर आएगा, उसी के ऊपर फोकस करेंगे तो सिर्फ वही नजर आएगा और उसी में हम चमक जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इतना आगे बढ़े कि आज मैं जब देखता हूँ ना, मैं अपनी तो बात ही छोड़ू, मैं नीचे टीम मेंबर्स को देखता हूँ, टीम मेंबर्स कोई बता रहा है जी मैंने घर बाय कर लिया, कोई कह रहा है जी मैंने ऑफिस बाय कर लिया, कोई कह रहा है जी मैंने ये प्रॉपर्टी बाय कर ली या कोई लग्जरी कार बाय कर ली। तो बड़ी अंदर से खुशी होती कि थैंक यू गॉड आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू रेक्स सर आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी पैदा की और हमें समझाया, हमें गाइड किया उसके बारे में। बयान ही नहीं कर सकता मैं, शब्दों में बयान नहीं हो सकती अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी, कितनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर कि एक बिल्कुल सिंपल व्यक्ति की लाइफ भी चेंज हो जाती है। मेरी टीम में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, अगर फॉरएवर नहीं होती तो शायद उनकी लाइफ बहुत टफ होती, बड़ी सिंपल सी होती। बहुत सारी चीज़ें वो सोच ही नहीं पाते, कल्पना नहीं कर पाते, जो आज चीज़ें उनके लिए वो लग्जरी चीज़ें उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बन गई हैं, छोटी बन गई हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा। सो हमेशा अपने अपलाइंस का, अपने जो भी गुरुज हैं उन सब का थैंकफुल रहें, और हमेशा गुरु धारण करें, गुरु के बिना गति नहीं, हमेशा गुरु धारण करें और हमेशा उनको माने, एक्सेप्ट करें, अपनी ईगो को कभी बीच में मत लाएं, हमेशा लर्निंग मोड में रहें, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हैं। क्लियर? अगर हम लर्निंग मोड में नहीं हैं तो फिर मैं आपको बता दूं, हम टेम्परेरीली ग्रोथ ले सकते हैं एक बार, दो बार, चार बार, पर उससे ना लाइफ चेंज नहीं कर सकते। इफ वी हैव टू चेंज लाइफ देन वी हैव टू चेंज अवर माइंड सेट। मैं हर बार ये कहता हूँ, देयर इज वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज चेंज। हमेशा चेंज के लिए रेडी रहें, एंड चेंज इज पेनफुल ऑल्सो। कई बार हमें जब सीनियर्स कहते हैं आप ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो थोड़ा सा कई लोगों को लगता है कि मेरा तो स्टाइल है, या मैं ऐसे ही करता हूँ, या मैं इतने सालों से ऐसे कर रहा हूँ। मे बी हम इतने सालों से वो कर रहे हैं, शायद इसी वजह से हमारी ग्रोथ ना हो रही हो। सो ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। अगर आपको कोई ट्रेन कर रहा है, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, तो बी थैंकफुल, है ना। कई बार हम मतलब डिफेंसिव हो जाते हैं कि यार ये मुझे चेंज कर रहे हैं, मुझे ये बता रहे हैं मैं ऐसे करूं वैसे करूं। प्लीज 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 बी थैंकफुल। वो आपको अपना टाइम दे रहे हैं, वो आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अदरवाइज वो टाइम एंजॉय कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, या किसी और को गाइड कर सकते हैं, या कोई नई ज्वाइनिंग करा सकते हैं। बट दे आर स्पेंडिंग देयर ओन पर्सनल टाइम ऑन यू टू ट्रेन यू, टू कोच यू, टू गाइड यू टू बी अ बेटर पर्सन। सो ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। मेरा हमेशा ही रहा, हमेशा सर झुका के चलो, जहां से जीवन में कुछ सीखने को मिल रहा है, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। जो लोग ग्रेटफुल नहीं होते वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। शॉर्ट टर्म 1, 2, 3 अचीवमेंट हो सकते हैं, पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। बी ग्रेटफुल सबसे पहले तो उस भगवान को जिसने लाइफ दी, जिसने अपॉर्चुनिटी दी। कुछ भी कर सकते हैं, भगवान ने जो मौका दे दिया हमें, अब तो हमारे कर्मों के ऊपर है। हम अपने अच्छे कर्म करें तो अच्छे कर्मों का फल तो बहुत ही अच्छा मिलना है ना। दुनिया कुछ भी कहते रहे, आपके कर्म अपने हाथ में है। आप अच्छे कर्म करेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया कुछ भी कहती रहेगी, और दुनिया का काम है कहना, है ना। दुनिया ने तो कहते ही रहना। जब मैं आया हूँ फॉरएवर में, आपको बता नहीं सकता, किसी एक फ्रेंड ने तो ये भी कहा, मनदीप भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ, प्लीज इस चक्कर में मत पड़ो,
आपको 10,000 का चेक भी नहीं आएगा, इससे मेरी गारंटी है। मैंने बड़ी कंपनीज देखी हैं, फिर वो कहता कि अगर आपको 10,000 का चेक आए ना, मेरा नाम बदल देना। तो मेरे को तो 97 लाख का चेक भी आ गया, फिर मेरा मन से ऐसे करो, तो बड़े क्लोज फ्रेंड है, तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप कह रहे थे 10,000 पे नाम बदल देना, तो ये 97 लाख रुपीज़ का चेक है, तो कितने नाम बदले आपके? तो हंसने लग गए, कहते नहीं नहीं फॉरएवर तो बहुत अच्छी है। तो फॉरएवर बहुत अच्छी है, हमने अच्छी बनानी है, हमने इसकी रेपुटेशन अच्छी बनानी है, अच्छे लोगों को लेकर आए। बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बड़े लेवल की कंपनी है, रॉयल कंपनी है, तो ऐसे ही लोगों को लेकर आए। बड़े ज़बरदस्त लोग ज्वाइन हो रहे हैं इस बिज़नेस में, मैं बयां ही नहीं कर सकता किस किस लेवल के रॉयल फैमिलीज हैं, इस लेवल के लोगों को मैं ज्वाइन करा रहा हूँ, मैं बयां नहीं कर सकता। तो ये पावर किसकी है? ये हमारे प्लेटफॉर्म की पावर है, ये हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की पावर है। प्रोडक्ट्स ना हो ढंग के, क्वालिटी ना हो, कंपनी के रेपुटेशन, कंपनी का प्रोफाइल ना हो, तो ऑब्वियसली अच्छा बंदा इसमें नहीं आएगा। एंड आई बिलीव आने वाला टाइम बहुत शानदार होगा। सो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, हमेशा उनके ऊपर फोकस करें, गोल्स बनाएं, टारगेट्स में डिवाइड करें और डायरी मेंटेन ज़रूर करें। बहुत सारे लोग जो है ना, उनमें सबसे बड़ी कमी यही होती है, डायरीज मेंटेन नहीं करते। अब मैं आपको बताया तो डायरीज कैसे मेंटेन करते हैं। जिस दिन मैं आया हूँ फॉरएवर में, पहले दिन डायरी में लिखा हुआ है इस डेट को मैंने विजिट किया है, ये मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, और जब मैं फॉरएवर में ज्वाइन हो जाता हूँ, पूरा काम शुरू कर देता हूँ, तो पहली जो मैंने कॉल रिसीव की है मेरे फ्रेंड की, उसकी डिटेल भी डायरी में लिखी हुई है। हर साल की मेरी जो डायरीज हैं मैंने संभाल के रखी हुई है, और मुझे एक एक चीज़, एक एक डायरी याद है। आज भी मुझे याद है 2009 में जो मैंने डायरी लगाई है, ब्लू कलर की, सेम ऑलमोस्ट जो मेरी, क्या आपका कलर है, इस कलर की डायरी। आज भी कई बार मैं टीम्स को भी खोल के दिखाता हूँ कि ये देखो, ये मेरे पास इतना बड़ा पिटारा है। अगर आप देखते हैं कि चेक इतने बड़े हैं, ग्रोथ इतनी बड़ी, तो ये पिटारा भी देखिए कि हार्डवर्क कितना है। एक दिन में कई बार 50 लोगों के नंबर लिख के, लिस्ट बना के 50 लोगों को पर्सनल कॉलिंग की हुई है मैंने। 50 फ्रेंड्स को मैं कॉल करके बता रहा हूँ कि डियर मैं कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे शुरू कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ करना चाहते हो तो आ जाओ यार मेरे साथ, मैंने तो उसको शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? डायरी लगाइए। मैं 2 मिनट में कोई भी पुरानी डायरी उठा के उसमें से बहुत कुछ गेन कर लेता हूँ। डायरी ना हो तो इमेजिन कीजिए, हमारे पास ना कोई रिकॉर्ड है, ना कोई पता है, 1 महीने के बाद पता ही नहीं होगा किसने कब बोला था मैं आऊँगा, किसने कब बोला था मुझे कॉल कर लेना। तो 90% कॉल्स जो हम करते तो रहेंगे, वेस्ट होती जाएंगे। ऑलवेज मेंटेन अ डायरी, उस पर डेट डालें, उस पर पर्सन डालें, लिस्ट बनाते रहें। बहुत सारे लोग जो है ना, उनके पास लिस्ट नहीं होती, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो चलता है लिस्ट के ऊपर। लिस्ट बनाएं, जैसे वो छोटी पड़ रही हो, ख़त्म होने वाली हो, बस उसको अपडेट कर दें, थोड़ी और नई लिस्ट बना दें, जब वो ख़त्म हो रही हो नई लिस्ट बना दें। लिस्ट बनाते रहें, दुनिया बहुत बड़ी है, इंडिया बहुत बड़ा है, इतनी पॉपुलेशन है, कभी लिस्ट आपकी ख़त्म हो ही नहीं सकती। 100 जन्म ले लें, 100 बार डायमंड बन जाएं, तब भी लिस्ट खत्म नहीं होगी। मेरे को उल्टा चैलेंज ये होता है, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं कि हमें भी बिजनेस शुरू कराओ, हमें भी बिजनेस शुरू कराओ, इतने मैसेजेस आए होते हैं। तो लिस्ट का ही तो फायदा है, लिस्ट के ऊपर काम किया तभी तो लोग इतने पेंडिंग में रहते हैं, वेट करते हैं लोग। सो आप लिस्ट के ऊपर काम कीजिए, बड़ी लिस्ट हो और डायरी में हो। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आपकी मेरे से बात हो गई, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, आई एम रेडी टू ज्वाइन, और मैंने कहा ठीक है जी, मैं नेक्स्ट मंथ फ्री हूँ, अभी मैं ट्रिप पे हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, कंपनी के फला असाइनमेंट पे हूँ, फलां डे को मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़, मुझे बताइएगा। अब मैंने आपको दिन बता दिया, मैंने बता दिया कि चंडीगढ़ में 5 दिन रहूँगा। अगर आपकी डायरी में लिखा ही नहीं हुआ तो आपको याद आएगा 2 महीने के बाद, आप फिर कॉल करेंगे, मैं फिर बोलूँगा जी मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं तो किसी और कंट्री में बैठा हूँ, तो अब मैं 2 महीने के बाद आऊँगा, तो वो चलता रहेगा प्रोसेस, फिर आप कॉल करना भी बंद कर देंगे, आपको खुद फील होगा कि यार मैं टाइम पे कॉल नहीं कर पाया। सो आई एम टेलिंग यू, पहला रूल डायरी टाइम, मैं तो टाइम तक लिख देता हूँ। किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि 5 जनवरी को कॉल कीजिएगा, तो ठीक है डियर 5 जनवरी को कितने बजे, वो बंदा भी सोचता है, फिर वो सोच के आंसर देता है, वो कहता है जी आप इवनिंग में कीजिएगा। अब जब मैं डायरी में लिख लेता हूँ ना, तो मैं लिखता हूँ उसको 4th डेट के ऊपर मैं लिखता हूँ कि टू कॉल मिस्टर सो एंड सो ऑन 5th। एक दिन पहले मैं अपनी डायरी का जब पेज चेंज कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ, अच्छा कल इसको कॉल करनी है इतने बजे, ओके। अब मैं उसको जब कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ हाँ जी डियर, उस डेट को बात हुई थी 5th जनवरी को इतने बजे, तो मैंने कहा इतने बजे मैं कॉल करूँ, भाई साहब कैसे हैं और सुनाइए,
तो बंदा भी हो जाता है कि वाह ही इज सो कैलकुलेटिव है ना, इस टाइम पे इतने बजे बोला तो ही इज कॉलिंग मी एट द राइट टाइम। अब वो बंदा 90% मना नहीं कर पाता क्योंकि इसको एक फीलिंग पता क्या आती है कि यू आर वेरी प्रोफेशनल। सो ये बिजनेस है, मैं इसको बहुत प्रोफेशनली कर रहा हूँ। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है लर्निंग आपके लिए, ये करोड़ों रुपए की लर्निंग है जो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। इसको कैच कर लीजिए कि अपनी डायरी में ना डेट टाइम सब कुछ मेंटेन कीजिए, फिर मेक श्योर आप उसके पेज जो है ना उनको रोज चेंज करें। ये ना हो कि 10 दिन के बाद ध्यान में आए कि लास्ट मंथ किसी ने डेट दे रखी थी आपको, वो प्रॉब्लम है। उससे बंदे अनवाइड फील करते हैं, वो कहते हैं यार आपको मैंने लास्ट मंथ भी बोला था मुझे कॉल कर लीजिए तब भी नहीं की, अब मैंने दोबारा टाइम दिया आप फिर भी नहीं कर रहे। सो बी अलर्ट, वेरी अलर्ट। जो मौका है ना वो अगर मिस हो गया तो आई टेल यू बहुत बड़ी चीज मिस हो जाती है। हो सकता है आने वाला एक बहुत जबरदस्त फ्यूचर मैनेजर हम मिस कर जाए, तो क्या हम एक मैनेजर मिस करना चाहेंगे, एक बढ़िया सॉलिड लीडर जो कल डायमंड बन सकता है? और इंडिया में अब हम डायमंड देखेंगे बहुत सारे। हमने ठान लिया है आई एम वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, आने वाले टाइम में आप देखिएगा हमने लाइंस लगा देनी डायमंड की। सो आप भी ठान लीजिए सब कुछ पॉसिबल है। क्या आप प्रोएक्टिव हैं? मेरा क्वेश्चन आप सबसे, क्या आप में विल पावर है? दुनिया कुछ भी बोले, हमारे जैसे प्रोडक्ट्स ना कभी बने हैं और मेरा दिल ये कहता कभी बन भी नहीं पाएंगे, राइट? सो अंडरस्टैंड कीजिए, जब इतने प्यारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी जबरदस्त कंपनी, इतनी जबरदस्त मैनेजमेंट, शब्दों में बयान नहीं कर सकते मैनेजमेंट को, शब्दों में। मैंने इतनी दुनिया ट्रैवल कर ली है, इतनी बार मैनेजमेंट के साथ बैठा हूँ, कभी रेक्स सर के साथ, कभी नवाज मैम के साथ, निकिता मैम के साथ, हरीश सर के साथ, मैं बयान ही नहीं कर सकता कितनी चीज़ें हर बार नई शेयर होती हैं कि हम अब ये बनाने वाले हैं, अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है। वो सब किसके काम आना है? वो हम सब के काम आना है, हमारा बिजनेस उससे बढ़ सकता है। सो हमेशा याद रखिए कितनी ज़बरदस्त मैनेजमेंट है लोगों में। मैनेजमेंट में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट कंसर्न्ड नहीं होती लोगों के बारे में। यहाँ पे कंपनी जो है 42 सालों से लोगों की लाइफ चेंज करती आ रही, आगे भी करती जाएगी। होगी किसकी? पहली बात कर्म फल, जो भगवान पे विश्वास करता है, जो कर्म फल पे विश्वास करता है, जो कंपनी पॉलिसी एथिक्स और सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप एथिकल नहीं हैं तो आई टेल यू दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपकी लाइफ चेंज हो ही नहीं सकती। पैसा कुछ भी नहीं होता, पैसा आता है और ऐसे ही चला जाता है। अगर आप एथिकल हैं तो उस पैसे में बरकत होती है। सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहान, राइट? तो ये ग्रंथों में ये चीजें लिखी हुई हैं। सो हमेशा सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलें, कंपनी पॉलिसी को 100% फॉलो करें, उसको पढ़ें, अपनी टीम्स को पढ़ाएं। हम बहुत सारे लोग लिटरेचर के ऊपर जो है ना, लिटरेचर के ऊपर काम नहीं करते बहुत सारे लोग। अपनी टीम्स में लिटरेचर प्रमोट कीजिए, अपनी टीम्स को बोलिए कि सबसे पहले आप जो ये कंपनी का लिटरेचर है इसको पढ़ें। कितनी चीज़ें हैं, कितनी बुक्स हैं, कितना कुछ है, अगर हम वो पढ़ नहीं रहे, इमेजिन कीजिए हम अपनी टीम को क्या गाइड कर रहे हैं कि सिर्फ ये प्रोडक्ट्स हैं, ये पैसा है। नो, आप कंपनी का सिस्टम बताएं पहले उनको। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, जब आप सिस्टम में आ जाएंगे, सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, पैसा तो अपने आप आपको आने ही आना, राइट? सो मैंने जीवन में बड़ी ग्रोथ ली है फॉरएवर से। फॉरएवर नहीं होती तो ये पॉसिबल ही नहीं था। आई लव फॉरएवर, मैं बयां ही नहीं कर सकता फॉरएवर क्या है मेरे लिए। ये एक शब्द नहीं है, ये मेरी लाइफ से भी बहुत बड़ी चीज है। अब सपना यही है कि जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, क्या मैं ऐसे हजारों लोगों की और लाइफ चेंज नहीं कर सकता? मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मेरे घर में खुशियां आई हैं, तो क्या मैं और ऐसे हजारों लाखों घरों में खुशियां नहीं बांट सकता? और ये हमारा फर्ज भी होता है लाइफ में। हम दुनिया की कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लें, वहां यही आता है कि दूसरों की मदद करें। बचपन में भी यही सिखाते हैं, है ना, हेल्प अदर्स। तो यही तो एक मौका है। मैंने बड़ा डीपली सोचा कि मैंने MBA किया, इतनी मेहनत की, इतना कुछ सीखा, बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ली हुई हैं मैंने, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मैंने लाखों रुपए स्पेंड किए हुए हैं सीखने के लिए, टाइम मैनेजमेंट, सेल्स स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो क्यों ना उन चीज़ों को मैं और हजारों लाखों लोगों में बांटूं। उसी पैशन के साथ मैं जो है पिछले तकरीबन 12 साल टीम्स को ट्रेन करते करते, और मैं रिजल्ट देखता हूँ। ऐसे सिंपल लोग जो किसी से बात नहीं कर सकते थे, जो मैं बयान नहीं कर सकता, जो बेचारे इतने सिंपल थे, इतनी सिंपल बैकग्राउंड से आए थे, कपड़े कौन से कैसे पहनने वो भी आइडिया नहीं होता था, आज दुनिया उनको है ना सुपर हीरोज कहती है।
तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो हम दुनिया में ला सकते हैं। सो भगवान हमारे साथ हैं, फॉरएवर हमारे साथ है। हम अपने कर्मों को चेक कर लें कि हम कितने कर्म कर रहे हैं और कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर हम मेहनती हैं, अगर हम सच्चे हैं, तो कर्मों का तूफान पैदा कर दीजिए। सब कुछ पॉसिबल है। जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, जो आप अपनी टीम्स को दिलवाना चाहें आप दिलवा सकते हैं। हर चीज़ को हमेशा डायरी में नोट करें, आपके गोल्स, आपके टारगेट, आपकी टू डू लिस्ट, कि आप क्या कर रहे हैं, किसको कब कॉल करनी। कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये रिक्रूटमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहले रिक्रूटमेंट होती है और उसके बाद उतना ही इंपॉर्टेंट है रिटेंशन। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल कैसे होती हैं? रिक्रूटमेंट विदाउट कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है पॉसिबल नहीं है। आपको बढ़िया बंदे जो आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म में चलेंगे, जो लीडर बनेंगे, वो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ही मिलते हैं। वो आपका बिहेवियर चेक करते हैं कि आप उनको, मेरे को एक फ्रेंड थे, वो 4 साल जो है फॉलोअप कराते रहे, 4 साल। 4 साल के बाद एक दिन उनको लगा कि उन्होंने कॉल काम करना है, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, तो मैंने उसी टाइम उनका नाम बोला, तो कहते वाओ सर, मैंने आपकी एक ऐड देखी थी 4 साल पहले, तो आप तब से मुझे मैसेजेस भेजते रहे, लास्ट ईयर आपने मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा, तो आज मैं कॉल करते हो ना सोच रहा था कि मैं कॉल करूं या ना करूं, पहचानेंगे या नहीं, तो आपने तो सीधा मेरा नाम ही बोल दिया। मैंने कहा जी मैं तो आपको मिस भी करता रहता हूं कि 4 साल पहले बात हुई, तो मुझे तो लगता ही रहता आप आएंगे आएंगे आएंगे, एंड ही ज्वाइंट, टुडे ही इज अ वेरी गुड मैनेजर। 4 साल के बाद भी एक बंदा जो है वो मैनेजर बन रहा है। कॉन्टैक्ट उसका मेरे मोबाइल में सेव्ड है, सब कुछ। अगर नंबर सेव ना होता और मैं कहता आप कौन, ये वो, तो शायद हम इतना आगे ना बढ़ पाते। सो कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोगों का ध्यान रखना, लोगों को प्यार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज वेरी प्रेशियस, सो मेक श्योर आप अपने लिए तो कुछ अच्छा कर ही रहे हैं, दूसरों के लिए भी करें। जिसका आपने फॉर्म भरा, मैं बड़ा कंसर्न रहता हूँ फॉर्म भरते हुए, मुझे अंदर से आवाज आ रही होती कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ। आई एम नॉट बॉदर्ड फॉर्म भरने के लिए, आई एम बॉदर्ड कि मैंने एंड में इसको कहाँ पहुंचाना है, इसका फ्यूचर क्या होना चाहिए। हाँ, कई लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, वो बिल्कुल फोकस नहीं करते, आपका फोन नहीं उठाते, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी ट्रेनिंग नहीं लेते, या किसी में ईगो इशू होता है, वो आपकी बातें सुनते नहीं, फॉलो नहीं करते। वो 10-15% छोड़ के 85% लोग जो आपको फॉलो करें, जो आपको सुनना चाहें, प्लीज मेक श्योर वो आगे बढ़ें। वही ब्रांड बनते हैं, वही नाम बनते हैं, और उन्हीं से ही हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस का नाम बनता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप उनके लिए बेस्ट एफर्ट्स करें। जो मतलब वो सपने लेकर आए ना, उनसे बड़ा दिलवाने की कोशिश करें। मेरा एक ही ड्रीम होता है कि मेरी टीम में कोई व्यक्ति कहे मैंने यहां पहुंचना, तो मैं उसके लिए यहां की तैयारी करूं, क्योंकि हम बैठे हैं भाई ऊपर, ये हमारा फर्ज है। जो व्यक्ति हमें मिले, जो सपने हम उसको दिखाएं जब उसका फॉर्म भर रहे हैं, उससे ज्यादा पूरे हों उसके। तो इतना मजेदार प्लेटफॉर्म हमें मिला, बयान नहीं कर सकते इस चीज को। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूमते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का खाना खाते हैं, वहां का कल्चर देखता हूं, मैं बहुत एंजॉय करता हूं इस सारी चीजें, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो शब्द नहीं मेरे पास हम कैसे थैंक यू करें। मैं निकिता मैम का बहुत ज्यादा स्पेशली थैंक यू करना चाहता हूं। बड़े सारे टफ टाइम्स है ना, आते रहते हैं सिस्टम में, मैनेजमेंट में चैलेंजेस है ना, कभी कोई प्रोडक्ट को लेके, कभी किसी चीज को लेके, पर हमारी जो टीम है, निकिता मैम जैसे उस सिस्टम को हैंडल करते हैं, ऑपरेशंस को, एक एक चीज़ के ऊपर, बीच में FSSI और बहुत सारी चीज़ें, नए नए बड़े बड़े चैलेंजेस, लोगों को तो समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज उस टाइम पे हिल गई थी, बंद हो गई थी, इवन GST आया, तो आई फील प्राउड, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज इंडिया में जिसने GST के ऊपर बिलिंग करना शुरू कर दिया। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, ऐसे बैठे बैठे। हमारा जो ऑपरेशन, जो सिस्टम है, जो टीम है, वो दिन रात एडवांस में काम कर रही थी, बाकी कंपनीज उसके 2-2, 3-3 महीने के बाद बिलिंग करनी शुरू हो पाई। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, तो आई ऑलवेज फील वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी। सो मेरा सबको बहुत बहुत थैंक यू है, और आप लोग कितने लकी हैं कि अब जो आने वाला टाइम है और ज़्यादा बेटर है। हरीश सर के आने के बाद जो पॉजिटिव चेंज मैं देखता हूँ हर चीज़ में, इतनी चीज़ें नई नई हो रही हैं, इतनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, है ना, आपकी स्लॉट बुकिंग भी आज घर पे बैठे बैठे आप 2 मिनट में कर सकते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें, ये हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है, सर्विसेज को बेटर बनाया जा रहा है, ताकि आप और आने वाले टाइम में जो ग्रोथ होगी उसको हम हैंडल कर पाए। एंड वी ऑल शुड बी प्राउड, इंडिया इज़ नंबर 2 इन द वर्ल्ड, बट नंबर 2 जो है ये हमारी पोजिशन नहीं है, हमने नंबर 1 पे पहुँचना है। इंडिया नीड्स टू बी नंबर 1, हम सब ने मिलकर बनाना है। सो गेट रेडी, धमाल कर देंगे हम सब मिलके, राइट? बहुत बड़ी कंट्री है भाई,
बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो जब हम मिलके काम करेंगे और जितनी आपको फैसिलिटीज, जितनी चीज़ें, जितनी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, मतलब ये कभी ऐसे सोचा ही नहीं था किसी ने, ये हरीश सर ने ऐसे सोचा ये चीज़ें ऐसे करो, फेसबुक लाइव करो, यूट्यूब पे है ना ये सारी चीज़ें डालो एंड ऑल। तो आज कहाँ एक ट्रेनिंग में, मान लीजिए अगर मैं यहाँ आरडीओ में ट्रेनिंग देता था तो हार्डली 400-500-600 लोग उसको रिसीव कर पाते थे, इस टाइम पे 3-4 हज़ार लोग जो हैं उस ट्रेनिंग को अटेंड कर पा रहे हैं एक ही टाइम पे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, पूरा फ़ायदा लीजिए। हमेशा अपने पेरेंट्स को, गॉड को थैंक यू बोलिए, बी ग्रेटफुल। जिसने व्यक्ति ने इतना सा रास्ता भी दिखा दिया ना लाइफ में, उसको भी बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, क्योंकि जीवन में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, जब मिले तो बी थैंकफुल। सो मेरी तरफ से आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं, बेस्ट ऑफ लक। आने वाले टाइम में हम ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ेंगे और जो भी ऑफर्स होते हैं उनका पूरा फ़ायदा लीजिए। कितनी शानदार ऑफर चल रही है इस टाइम पे, आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, आप उसका प्राइस पे करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और हमारे सब प्रोडक्ट जो है ना वो एक से बढ़कर एक हैं। मेरे को अगर आज कोई पूछे कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा, तो समझ नहीं आती कौन सा आंसर दें, हर प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है। हनी बहुत अच्छा है, नेक्टर बहुत अच्छा है, इमो ब्लेंड बहुत अच्छा है, किसी भी प्रोडक्ट का नाम ले दो तो भाई मैं तो ये कहूँगा उसके बिना मैं तो चल ही नहीं सकता उसके बिना, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है। तो जब सब कुछ इतना अच्छा है तो आपको ये मौका मिल रहा है, एक के साथ एक कुछ फ्री मिल रहा है आपको, है ना, ऑफर दी जा रही है, तो क्या आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? बात फिर वही आती है जो लास्ट ट्रेनिंग में मैं कह रहा था, प्लीज़ बी प्रो एक्टिव, डोंट बी जस्ट एक्टिव, बी प्रो एक्टिव। तो अगर हम प्रो एक्टिव बन गए तो हम हर चीज़ का फ़ायदा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ग्रो होंगे, कंपनी का नाम चमकाएंगे, है ना। सो गॉड ब्लेस यू, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और फिर जल्दी मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ वेरी वेरी सॉलिड क्लोजिंग। गॉड ब्लेस यू जी, बेस्ट ऑफ लक।